कैसे हैं आप लोग? मैंने सविनय निवेदन किया था कि हे पार्थ, मुझे इस धर्म संकट में मत डालो। मैं अभी तो मुझे इसका ज्ञात नहीं है कि कट ऑफ का प्रिडिक्शन जो है वो कैसे किया जाए, लेकिन हमारे कुछ प्यारे लर्नर्स जो हैं बार बार ये कहते रहते हैं, सर प्लीज बता दो। इसके पीछे वजह भी है, बार बार जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो ठीक ठाक लग जाता है, तो मेरे प्रिडिक्शंस पे जो है थोड़ा रिलाई करते हैं कि आखिर वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं जिस चीज के ऊपर बात करने वाला हूं कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द CSIR नेट लाइफ साइंस, आखिर वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या होने वाला है। जाने से पहले जो है, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजें ध्यान दो। क्यों मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात कर रहा हूं, उसके पहले जो है 2021 में मैंने प्रिडिक्शंस किए थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। अगर इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के प्रिडिक्शंस के ऊपर बात करें तो मैंने लगभग इस रेंज में कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था, और कट ऑफ आया भी लगभग उसी रेंज में है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कुल मिला जुला के, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है उसी रेंज में आया। देखो, मैंने जो है EWS के लिए जो प्रेडिक्ट किया 96.6, कट ऑफ देख रहे हो 96.56, ये प्रिडिक्शन कितना है 96.2, कट ऑफ देख रहे हो 96.11, ये प्रिडिक्शन देख रहे हो 89.8, कट ऑफ देख रहे हो 90.96, ये प्रिडिक्शन देख रहे हो 83.3, कट ऑफ देख रहे हो 84.22, लगभग जो है थोड़ा सा अंतर है इसमें। इसी तरीके से जो है 74.9 कट ऑफ देख रहे हो 61.86, तो ये थोड़ा सा जो है वेरी नहीं कर रहा, मतलब मैच नहीं करा लग, लेकिन यहां से यहां तक जो कट ऑफ का जो मैचिंग है वो प्रिडिक्शन से लगभग जो एक्चुअल कट ऑफ था वो काफी मिलता जुलता था। वही चीज अगर आप यहां पे भी देखोगे तो सेम वही था। ये लेक्चरारशिप के लिए भी 97.3 मैंने प्रिडिक्ट किया था, 97.01, 94 पॉइंट के आसपास 93.8, इस रेंज में देखो 93.87, ये लगभग 93.4, 93 पॉइंट, इस तरीके से कट ऑफ का जो है प्रिडिक्शन आपको जो एक्चुअल कट ऑफ से काफी मिलता जुलता था। ये रियल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर का जो है कट ऑफ है वो यहाँ पे शो किया गया। अब 2022 में जो सितंबर में एग्जाम हुआ था उसका भी कट ऑफ जो है मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया, वो भी आप देखोगे तो लगभग उसी तरीके से जो है मिलता जुलता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किए गए थे, ठीक है, ये कट ऑफ जो है देखोगे तो 98 पॉइंट मैंने 8 प्रेडिक्ट किया था, वही आपको यहाँ पे देख रहा है 97.78, 96.06 मैंने 96.5 किया था, ये 96.22, इस तरीके से जो है कुछ कट ऑफ्स आप देख रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रिडिक्शन से काफी क्लोज हो जाता है। इसीलिए कई सारे बच्चे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्रिडिक्ट कर दो, और आपने इस धर्म संकट में डाल दिया है तो मैं अब कैसे पीछे हट सकता हूँ। फिर भी मैंने कहा कि मेरे लिए जो है मेरे स्टूडेंट्स ऊपर है, मेरा खुद का धर्म संकट थोड़ा सा पीछे। तो नाउ व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस ईयर CSIR 2023 लाइफ साइंस, ये है आपके पास कट ऑफ एनटीए स्कोर और मार्क्स के साथ। अभी एनटीए स्कोर आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो है मैंने मार्क्स को भी यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक तौर पे अब कई सारे लोग मेरे को पर्सनली मेल करके या इस वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, सर इज देयर एनी चांस, मेरे इतने नंबर है, इज देयर एनी चांस। तो मैं ऐसे लोगों को जो है रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा इसका स्नैपशॉट ले लो वीडियो पॉज करके, है ना, और देख लेना, मैच कर लेना कि आप जो है किस कैटेगरी में फॉलो अप कर रहे हैं और कौन सा मार्क्स जो है। बेसिक तौर पे याद रहे कि ये जो कट ऑफ है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। क्या है वो? एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो जो है ओरिजिनल कट ऑफ नहीं है जो CSIR ने लॉन्च किया। कट ऑफ जो है वो बाद में आएगा। पेपर देखने के बाद जहां तक मैंने रियलाइज किया कि आपके पास Shift 1 थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, जबकि Shift 2 में लग रहा था कि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा बहुत टफ तो नहीं बोल सकता मैं। थोड़ा बहुत पार्ट बी Shift 1 और Shift 2 दोनों का ही हिला हुआ था, मतलब Shift 1 का भी पार्ट बी जो है थोड़ा सा हिला हुआ था और Shift 2 का भी। लेकिन Shift 1 हो या 2 हो, पार्ट सी के क्वेश्चंस अच्छे थे और करने लायक थे, और एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर करने के बाद और कई सारे स्टूडेंट्स के नंबर का फीडबैक लेने के बाद, टेलीग्राम पे लगभग 1500 लोगों ने जो है अपना मार्क्स मेरे को अपलोड करके दिया है,
तो उस लगभग 1500 लोगों का जो मार्क्स मैंने देखा उससे एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ जो है लगभग इस रेंज में जाने वाला है। याद रहे कि ये मेरा सिर्फ प्रिडिक्शन है और मेरा प्रिडिक्शन ठीक ठाक निकल जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार निकले, बट अगर निकल जा रहा है तो ठीक ही। मार्क्स जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाएगा 112 से 116 मार्क्स के बेसिस पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 से 104, अगर ईडब्ल्यूएस वाले तो खुद चेक कर, ओबीसी वाले 94 to 98 और एससी वाले 80 to 84, एसटी वाले 75 to 78 और पीडब्ल्यू वाले जो है 55 to 58। ये मैंने मार्क्स रखे हैं जो कि अभी आप अपने रिस्पॉन्स शीट से कैलकुलेट किए होंगे और ये यहां पे स्कोर है। ये ऑल दो अभी आपको बहुत हेल्प करे ना करे, लेकिन जब जैसे ही आपके पास स्कोर आएगा ना, जब आपका स्कोर आएगा तब आपको यही हेल्प करने वाला है कट ऑफ के लिए, तब आप इसके लिए दौड़ोगे। तो मैंने आपका काम आसान कर दिया, मैंने लगभग जो है मार्क्स और स्कोर आसपास रख दिया है पिछले एनालिसिस को देखते हुए, थोड़ा सा उन्हीं से मिलता जुलता। और ये जो है आपके पास ये जो कैटेगरी मैंने शो की है, ये जेआरएफ एनटीए के लिए, मतलब जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेक्चरारशिप के लिए जो कट ऑफ है वो यहां पे मार्क्स लगभग 102 to 106, ये है मार्क्स 94 to 98, यहां पे 80 to 84, 75 to 78 किस कैटेगरी के लिए, एससी के लिए, और 65 to 68 एसटी के लिए है, और 55 to 58 जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए। तो ये जो है मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं फॉर द जूनियर, ये लेक्चरारशिप के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो होपफुली कि जो ये स्नैपशॉट है वो आप ले चुके होंगे और यही आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। मतलब अगर आप मेरे एक्सपेक्टेड या प्रिडिक्टेड कट ऑफ पे रिलाई करते हैं, और क्यों करना चाहिए मैं पहले भी बता चुका, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको अपना प्रिडिक्टेड और एक्चुअल जो सीएसआईआर का आया हुआ कट ऑफ था वो दिखाया, और देखने के बाद आपको यह अनुभास हो रहा होगा कि मैं जो प्रिडिक्शन करता हूँ वो बाबाओं वाला प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ कि बेटा कृपा यहाँ पे अटकी हुई है यही से जो है वो मजा आएगा, ऐसा नहीं है। प्रिडिक्शन सोच समझ के स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को देखते हुए, पेपर के लेवल को एनालाइज करते हुए, तब जाके ये एक प्रिडिक्शन जो है मैं निकालता हूँ, और इसीलिए शायद थोड़ा बहुत सिमिलर आ भी जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको स्नैपशॉट ले लेना और देख लेना, और लेक्चरशिप का एनटीए स्कोर भी यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आप फर्दर किसी कोर्सेज या किसी चीज से जुड़ना चाहते हैं तो ई लर्नम पे मैं पढ़ाता हूँ, इवन अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको शो किए गए हैं, इन डिटेल्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं कई सारे कोर्सेज के लिए। मैं कई सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे लेके आया हूँ और साथ में ई लर्नम पे आईसीएमआर का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। तो जुड़िए मेरे साथ और क्रैक करिए सीएसआईआर और अदर एग्जामिनेशंस को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।